रहमान रहीम, आपका दोस्त आपका भाई गुलबहार आपकी इतने में हाजिर है नया ब्लॉग लेके। आज हम जा रहे हैं दो हफ्ते के बाद दोबारा फैसलाबाद से रावलपिंडी अपने घर को। तकरीबन 12:30-1 का टाइम हो गया है। मौसम बड़ा खूबसूरत है, यहाँ पे बादल बने हुए हैं, मौसम ठंडा ठंडा है जी। सैया वाला हम पहुँच गए हैं, घोड़े नज़र आ गए हैं। यहाँ से आप गाड़ी पे हैं तो मोटरवे चढ़ सकते हैं मुल्तान या इस्लामाबाद। क्या खूबसूरत मौसम, बादल, बहुत ही सनी वेदर हुआ हुआ है। एंजॉय वाला राइड का मज़ा लेने वाला मौसम है। ये देखे सामने से मोटरवे जा रही है मुल्तान फैसलाबाद और इधर इस्लामाबाद लाहौर। सामने इंडस्ट्री जोन बना नया 1-2 सारा एक्सटेंशन हुई है। आप मोटरवे पर चढ़ जाते हैं लाहौर इस्लामाबाद। हमने यहाँ से टर्न लेना है। साथ ही काफ़ी बंदे पूछते हैं कि भाई हम कोई शॉर्टकट रास्ता समझ नहीं आती, उनको बताना चाहता हूँ मैं। जब आप यहाँ से थोड़ा सा आगे निकलेंगे, ये सात दुकानें, MCB बैंक आता है, ये देखें ये MCB बैंक है। जहाँ पर ये दुकानें ख़त्म होते हैं वहाँ से आपने राइट टर्न ले लेते हैं। ये देखें राइट टर्न लेके छोटी सी सड़क जा रही है, तो इस सड़क से आपने सीधा नहीं जाना, यहाँ से आपने थोड़ा सा लेफ़्ट ले लेना है। छोटे सा रास्ता नीचे को जा रहा है जो आपको टच करेगा जनाब। एक सड़क जा रही है पिंडी भटिया वो मोटरवे के साथ साथ, तो उस पे आपने नीचे उतर जाना है। ये देखें यहाँ से हम राइट नहीं लेफ़्ट ले लेंगे। ये देखें 2-3 बारिश हुई थी पहले, उसकी वजह से थोड़ा सा ये गीला गीला है। देखें आगे से बाइक आ रहे हैं, ये थोड़ा सा ऑफ रोड ट्रैक है, एडवेंचर भी है। देखें बड़ा एहतियात से आइएगा। देख रहे हैं वाव, भाईजान सोए हुए हैं, कोई अमरूदों का छोटा सा बाग है, साथ में आई थिंक सब्जी बीजी हुई है इन्होंने। ये देख रहे हैं सामने हम मोटरवे के पास आ गए हैं। राइट साइड पे हमारे मोटरवे चलेगी और हम भी साथ साथ चलेंगे इनके। ये रोड गंदम की फसल की हरियाली ही हरियाली है। बहुत ही प्यारी किस्म की खुशबू आ रही है जो सरसों के खेत लगे हुए उनसे। गंदम की अपनी एक बड़ी खूबसूरती खुशबू होती है, वो शहरों में रह के महसूस नहीं होता। ये आप निकले ना आगे शहर से बाहर निकले हैं, फिर आपको ये महसूस होगी। और बहुत चार पुल क्रॉस करने के बाद जब आपको इससे सड़क आएगी, तो यहाँ से दो सड़कें हैं, एक मोटरवे के साथ और एक अंदर को मुड़ रही है। मैं जाता हूँ अंदर वाली सड़क से क्योंकि ये रोड साफ है, बेहतरीन है। वो जो रोड जा रही है वो बहुत ख़राब है।
ये जो है अंदर अंदर से होती हुई सीधा पिंडी बढ़िया बाईपास में जाके लगेगी। आहा यार ठंडी हवा चल रही है जी, ज़बरदस्त मज़े। हम करते हैं जी एंजॉय राइड को और आप एंजॉय करें वीडियो को। माशाल्लाह बहुत अक्लमंद इंसान है, रक्षा बीच सड़क में खड़ा करके ना बातें कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे पहुँचेंगे आप तो यहाँ सामने गवर्नमेंट का कोई स्कूल है या डिस्पेंसरी है या यूनियन काउंसिल है, वहाँ से एक सीधा रास्ता है, एक लेफ्ट साइड पे टर्न ले रहे हैं हम। ये देखें लेफ्ट साइड पे टर्न हो जाते हैं। ये एक अलार्म भी लगा हुआ है, ये भी एक निशानी है आपके लिए। यहाँ से जब हम टर्न होते हैं, यस, आगे फिर एक टर्न आएगा, यहाँ पे एक करियाना स्टोर है, आई थिंक फौजी करियाना स्टोर है ये, नहीं हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये देखा फौजी शहबाज खान, यहाँ से हम राइट ले लेंगे। ये बहुत ही शॉर्टकट रास्ता और साफ़ सुथरा रास्ता है। आप फैसलाबाद से पिंडी बढ़िया आना चाह रहे हैं तो वीडियो लेंथी हो जाएगी क्योंकि मैंने सारा रास्ता आपको बताना है। अक्सर भाई बीच में से ना भूल जाते हैं, कॉल करके पूछते हैं कि कैसे जाएं, तो उनके लिए ये रहनुमाई वाली वीडियो है, बहुत ही अच्छी है। ये देखें ये ऐसे टर्न करती हुई जाएगी, ये देखें दिन हो या रात हो आप इस रास्ते से आ सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी रहनुमाई के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये देखें यस, यहाँ पे फिर एक लेफ्ट जा रही है, एक राइट जा रही है, आपने लेफ्ट साइड पे मुड़ना है। ये देखें यस दुकानें यहाँ से होते हुए आगे आएंगे तो आपको लेफ्ट साइड पे कब्रिस्तान नज़र आएगा। कब्रिस्तान से आगे थोड़ा सा ही निकलेंगे तो एक बड़ी नहर आपको नज़र आएगी, वो सामने नहर जा रही है। इन चक वगैरह का नाम मुझे याद नहीं, ना मैंने कभी पूछा है, ना कोई ऐसा बोर्ड वगैरह लिखा हुआ है जो उसके ऊपर नज़र आए जो मैं आपको बताऊं। ये देखें
यहाँ से राइट टर्न लेंगे हम, ये देखें, और ये नहर आ जाएगी, काफ़ी बड़ी नहर है ये, देखें। ये मैं राजमी जी लकाट करके आपको दिखा रहा हूँ कि इस नहर को जैसे ही क्रॉस करेंगे तो टर्न आएंगे, एक तो ये मोड़ आएगा और इसके साथ ही एक और दूसरा मोड़ आ जाता है। यहाँ से हमने लेफ्ट ले लेना है और इस मस्जिद के साथ से हमने राइट ले लेना है। ये देखें बोर्ड का दर लगा हुआ है, ये देखें। फिर ये जो जिस रोड जिससे जैसे टर्न लेगी आपने वैसे वैसे टर्न लेना है, किसी साइड पे मुड़ना नहीं है, सीधा ही जाना है। ये देखें फिर एक टर्न आ जाएगा, ये देखें। लेकिन इन टर्नों की साइड पे सड़क कोई नहीं है, नॉर्मल है। ये देखें यहाँ से फिर टर्न ले लिया, वो सीधे ही जाना है। अभी तक वही स्ट्रेट रोड ही जा रही है, सीधी रोड जा रही है, रास्ते में आबादी भी आती है तो घबराना नहीं है आपने, इस रोड पे सीधे ही जाना है। देखें आमों का बाग आ गया है, बड़ा खूबसूरत लगा हुआ है। यहाँ पे एक स्कूल आता है, यहाँ से दो टर्न आते हैं आपको वो लेने होते हैं। टैंकी फुल करवाई थी, ऊपर टैंक बैग पड़ा है तो इसमें हवा नहीं जाती, जिसकी वजह से पेट्रोल नीचे नहीं जाता, तो ये एक दफ़ा करना होता है ताकि टंकी के अंदर जो हवा भरी है वो निकल जाए और पेट्रोल नीचे चला जाए। देखा, यहाँ से हम लेंगे राइट टर्न, साथ इसके एक पुल है, ये यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट। अब ये जो रोड है ना ये सीधी ही जानी है, यहाँ से रोड जाएंगे सीधा, फिर एक नाला आएगा उसके साथ आपने राइट टर्न ले लेना है, नाले के एंड पे लेफ्ट हो गए, सीधी सड़क जानी है। ये लास्ट सेक्शन है जी, बस पिंडी पटिया हम पहुंचने वाले हैं। ये देखें लकड़ियों के टाल हैं दोनों साइडों पे, जिस रोड पे आपने आना है, वापसी पे भी आपने जब जाना है तो जैसे ही आप बाईपास पे आएंगे, एक चिन्योर की तरफ जा रहा है एक पिंडी पटिया की तरफ जा रहा है, आपने सीधा रोड पे आना है। यहाँ पे दो रोडें जा रही हैं आपके लेफ्ट साइड राइट साइड पे, राइट साइड पे आपने मुड़ जाना है जिस साइड में अभी आया हूँ। ये आ गया जी बाईपास पिंडी पटिया, और हम पिंडी पटिया शहर नहीं जाएंगे, हम बाईपास ही जाएंगे। यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा स्पोर्ट के लिए, और रास्ता अच्छा लगा तो इस पर आना जाना भी करें आपके लिए। बहुत शुक्रिया।